अप टिल नाउ वी हैव सीन द राइज ऑफ हिटलर, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उसका जो फ्रेंड था मुसोलिनी, उसका ग्रोथ किस तरह से होता है और फासिज्म इटली के अंदर जो फासिस्ट पार्टी सत्ता के ऊपर थी वो कैसे आती है। साथों साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मुसोलिनी किस तरह से पावर के ऊपर आया एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी, व्हाट इज फासिज्म एंड नाजीज्म। आजकल ये शब्द मीडिया के अंदर भी बहुत उभर के आ रहा है कि भाई फासी है ये नाजी है, ओके किस तरह की इनकी सिमिलैरिटी है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, वो भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर देते हैं। खैर मैंने आपको बताया कि द रीज़न बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वन ऑफ द रीज़न वॉज द राइज ऑफ रोम बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस, और उसमें भी रोम एंड बर्लिन एक्सिस मैंने आपको बताया कि 1937-1936 से ही बनने शुरू हो गई थी। तो मुसोलिनी यहाँ पे किस तरह से पावर के ऊपर आता है रोम के अंदर, उसको थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। 1922 के अंदर मुसोलिनी यहाँ पे बेसिकली इटली का प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर उसको बनाया जाता है और 1922 के बाद ही कैप्चर्स द पावर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्निंग द रोम्स ग्रेटनेस। बोले रोम के अंदर भी फिर से मैं आपको पुराने दिन वापस ला दूंगा एंड ग्रेट ओके रोमन एम्पायर जो हुआ करता था वैसा बना दूंगा, और इसने बताया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे इटली को फिर से ग्रेट बनाऊंगा। नाउ विल ट्राई टू सी कि मुसोलिनी किस तरह से पावर के ऊपर आता है। एज यूजुअल यू माइट नो दैट इन 1870 लाइक द जर्मन यूनिफिकेशन द इटालियन यूनिफिकेशन ऑल्सो टुक प्लेस। इटालियन यूनिफिकेशन किस किस अध्यक्षता में हुआ था, वो स्टेट था पीडमोंट सार्डिनिया, और ये पीडमोंट सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे काउंट केवर। और कभी कभी आपको प्रश्न पूछ देगा काउंट केवर, बिस्मार्क एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोले इन तीनों के बीच में व्हाट इज अ सिमिलैरिटी, व्हाट वाज अ रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इटली जर्मनी एंड इटली, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। खैर हम लोग यहाँ देखते हैं 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, फिर इटली का भी थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। 1914 के अंदर इटली यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड शुरू होता है, खास करके 1915 में इटली पार्टिसिपेट्स, एंड इन दिस पार्टिसिपेशन इटली क्यों करता है, बोले युद्ध के बाद उसको ऑटोमन एम्पायर की थोड़ी बहुत टेरिटरीज दी जाएगी। ये ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज कहाँ थी, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, और ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर में उसको बहुत सारा उसको होल्ड दिख रहा था, क्योंकि इटली का अगर जो आप आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली, वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही आया, ओके सिसिली, सो यू विल सी। बट हुआ क्या कि लेटर ऑन इटली को यहाँ पे धोखा दे दिया जाता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, और इन दिस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो पीएम ऑरलैंडो जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो यहाँ से चले जाते हैं 1918 के बाद, ओके 1919 के अंदर जब पेरिस के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस होती है, ओके सो विटोरियो ऑरलैंडो ही वॉक्स आउट बिकॉज ही वॉज इनेबल टू स्पीक इंग्लिश, और उसको जो भी प्रॉमिस किया गया था वो सब नहीं दिया जाता। तो इटली के अंदर बहुत अराजकता थी, और यही अराजकता के अंतर्गत इटली के अंदर 1919 से लेकर 1922 के बीच में यहाँ पे 3 साल में 5 सरकारें बदल जाती है, ओके तो आया राम गया राम वाली सिचुएशन थी, एक आया दूसरा आया दूसरा आया तीसरा गया, ओके तो इस तरह की सिचुएशन थी और पॉलिटिकल क्राइसिस थे। ये एनार्की और पॉलिटिकल क्राइसिस का ही फायदा उठाया गया है आपके मुसोलिनी के द्वारा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे जर्मनी के अंदर एनार्की थी, जर्मनी के अंदर अराजकता थी, उसी अराजकता का फायदा किसने उठाया, हिटलर ने, तो उसी तरह से ये भी करेगा। ये इंसान क्या करता है कि 1919 से ही जब इटली के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस से, तब से ज़्यादा यहाँ पे नेशनलिज्म और रेडिकल पॉलिटिक्स चलाता है। 1919 के आसपास इटली के अंदर कम्युनिस्ट लोग भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और जैसे जैसे कम्युनिस्ट लोग को इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो इटली के अंदर स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल फाइट्स बहुत हुए। ड्यू टू दिस स्ट्राइक्स एंड पॉलिटिकल फाइट्स इन इटली, इटली का जो कैपिटलिस्ट क्लास था, जो पूंजीवादी वर्ग था, उनको डर लग रहा था कि ये कम्युनिस्ट लोग अगर पावर के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोग की सरकार गिरा देंगे। और ये उस टाइम के अंदर जो पार्टी थी फासिस्ट पार्टी, ये फासिस्ट पार्टी उस टाइम के अंदर यहाँ पे करीबन 30 से 35 सीटें ही जीत के आई थी पार्लियामेंट के अंदर, बट ये अपना प्रोपोगंडा थोड़ी बहुत चलाती रहती थी। और मुसोलिनी ने बताया कि आई एम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द कम्युनिस्ट इन द इटालियन स्टेट, और इसके कारण उसको कैपिटलिस्ट क्लास
और मिडिल क्लास जो इटली का था वो मुसोलिनी को फेवर करता है। और यही फेवर के दौरान आपको जानकारी मिलती है कि जो इटली के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, मोर देन 6 लाख सोल्जर हुए पास दवे, इटली गरीब हो रहा था, कम्युनिस्ट स्ट्राइक्स हो रही थी, मुसोलिनी ने इटली को बताया कि भाई मैं जो रोमन एम्पायर की ग्लोरी थी वो वापस ला के दे दूंगा। और ये कंडीशन के अंदर अक्टूबर 1922 के अंदर रोम के अंदर बहुत बड़ा ये मार्च निकालेगा, मार्च टू रोम, ओके, रोम मार्च भी कहते हैं। एंड मोर देन 50,000 वॉलंटियर ऑफ द फासिस्ट पार्टी वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, काला कलर का शर्ट पहन के ये लोग इटली का जो कैपिटल था रोम की तरफ मार्च करेंगे। और बीइंग अ माइनॉरिटी हैविंग दी पार्टी की जो सीट थी वो करीबन 30-35 से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, फिर भी रोम के अंदर जब मुसोलिनी की सेना मार्च करती है तो रोम की प्रजा उसको वेलकम करेगी। एंड अंडर प्रेशर फ्रॉम द पीपल सरकार यहाँ पे मुसोलिनी को बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे अपनी सरकार बना दो। सो द किंग इनवाइट्स मुसोलिनी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मुसोलिनियन रूल। सो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाउ मुसोलिनी कम्स टू पावर एंड हाउ हिटलर कम कैप्चर्स पावर, उसके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हिटलर क्या करता है कि डेमोक्रेसी का सहारा लेगा, इलेक्शंस लड़ेगा और इलेक्शंस लड़ने के बाद पावर को कैप्चर कर देगा। बट दिस गाय मुसोलिनी इलेक्शंस लड़ता है पर इलेक्शंस में ज़्यादा सीट नहीं आती है, फिर भी वो पावर कैप्चर कर देता है। ओके, तो फासिज्म जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे 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 बढ़ जाती है। ऑन एंड थ्रू मार्च टू रोम, एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो काले कलर का शर्ट पहने हुए लोभी लोग थे, यहाँ पे मार्च टू रोम के अंतर्गत किंग का इटली को लगता था कि भाई अगर यहाँ पे सिविल वॉर हो गया मुसोलिनी के पार्टी के बीच में और भी ओपोजिशन पार्टीज के बीच में, तो हो सकता है कि यहाँ पे इटली के अंदर अराजकता फैल जाएगी, इससे अच्छा मुसोलिनी को पावर दे दो। और यहाँ से ही यहाँ पे मुसोलिनी का रूल शुरू होगा। ये मुसोलिनी 1922 से लेके फिर से अप टिल दी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यहाँ पे रूल करता रहेगा। एंड इन बिटवीन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करेगा। ओके, अब मुसोलिनी की पार्टी जो थी उसका नाम था फासिस्ट पार्टी। अब आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट इज फासिज्म एंड नाजीज्म, बोले ये क्या है, फासीवाद और नाजीवाद ये क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। तो पहले हम लोग फासिज्म देखेंगे, फिर दोनों की, फासिज्म और नासिज्म की सिमिलैरिटीज देखेंगे। ओके, फासिज्म क्या है? फासिज्म बिलीव्स इन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, बोले एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ऑथोरिटेरियन हो। अब क्यों ऑथोरिटेरियन और ये स्टेबल और स्ट्रांग सरकार की बात करता है, क्योंकि इटली के अंदर वहाँ पे बहुत सारी अराजकता थी, बहुत सारी यहाँ पे एनार्की थी। एंड ड्यू टू दिस एनार्की एंड दिस इंस्टेबिलिटी इन इटली, तो ये जो नई पार्टी आ रही थी, ये नई पार्टी क्या बता रही थी, बोले एकदम ऑथोरिटेरियन स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेकेंडली, इट बिलीव्स इन एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड ऑलवेज गिव द आइडिया ऑफ रीबर्थ ऑफ नेशन, बोले पुनर्जन्म हुआ है, हम सत्ता के ऊपर आए हैं उसके बाद ही इटली का पुनर्जन्म हुआ है, उसके पहले इटली कुछ नहीं हुआ करता था। इट फोकसेस ऑन द ग्रेटनेस एंड प्रेस्टीज ऑफ द नेशन, पर्टिकुलरली ग्लोरी ऑफ द नेशन, पर्टिकुलरली ओल्ड ग्लोरी ऑफ द नेशन। तो फासिज्म क्या बताता था? फासिज्म एक ही चीज़ बताता था कि रिमेंबर द डेज ऑफ द ओल्डन रोमन एम्पायर, बोले कैसा हुआ करता था, द गोल्डन डेज ऑफ द एम्पायर, बोले कितना बढ़िया एकदम सुनहरा काल था हमारा। ओके, तो इटली के लोगों को एकदम मोहवश कर दिया उसने, जब से पावर के ऊपर आया तब से उसने मोह वश कर दिया सबको, एकदम डायरेक्टली कैप्चर कर दिया। एंड इट वॉज ऑलवेज हॉस्टाइल टू कम्युनिज्म, बोले यहाँ पे जो साम्यवादी ताकतें हैं जो रशिया के अंदर से फैलती 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 वेस्टर्न यूरोप की तरफ आ रही है, वो सब हमारे लिए फायदाकारक नहीं है। तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट लोग दिखते थे वहाँ वहाँ इनको मार दिया जाता था ये फासिस्ट लोगों के द्वारा, क्योंकि इनको अपोजिशन पसंद नहीं है और खास करके कम्युनिस्ट अपोजिशन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इन दिस कंडीशन दे ऑल्सो गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द रिच एंड द वेल्थी क्लास, जो यहाँ का अमीर वर्ग था उसने फासिस्ट लोग को सबसे ज़्यादा बिलीव किया, बोले यही अच्छा काम कर रहे हैं, यही बढ़िया काम कर रहे हैं, यही इटली के लिए अच्छा दिन लेके आएगा। ओके, सो यू विल सी दैट दे गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द रिच एंड द वेल्थी क्लास। और ये साथो साथ अपने आप को बताता है कि भाई हम लोग का टेरिटोरियल एक्सपांशन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेस्टीज ऑफ द नेशन की बात करेगा तो आपकी प्रेस्टीज कब बढ़ेगी? जब आपका साम्राज्य बड़ा हो, जब आपका एम्पायर बड़ा होगा तभी आपकी ग्रेटनेस और प्रेस्टीज मेंशन होगी।
तो फासी स्टेट जो भी होगा वो यहाँ पे पुराने दिनों का सहारा लेके, यहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ों का सहारा लेके, साथों साथ जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसका भी यहाँ पे बेस बना के यहाँ पे डेवलप कराने की कोशिश करेगा। इन द फंडामेंटल वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म दैट इट बिलीव्स इन वन पार्टी स्टेट। वन पार्टी स्टेट के अंतर्गत द स्टेट इज वर्शिप्ड। बोले एक ही पार्टी है, उसी की ही सरकार है और वही स्टेट है ना, वो भगवान के इक्विवेलेंट है। बोले गॉड इज वर्शिप, उसी तरह स्टेट इज वर्शिप। यू कैन नॉट से अगेंस्ट अ सिंगल पार्टी, इफ यू स्पीक्स एनीथिंग अगेंस्ट अ सिंगल पार्टी दैट इज द फासिस्ट पार्टी, देन यू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दैट इज द फासिस्ट गवर्नमेंट, एंड इफ यू स्पीक समथिंग अगेंस्ट द फासिस्ट गवर्नमेंट यू मीन दैट यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द फासिस्ट स्टेट दैट इज द इटली, एंड दैट मीन्स यू स्पीक अगेंस्ट इटली यू स्पीक अगेंस्ट द गॉड, hence LHS equals to RHS। तो ये लोग इस तरह से प्रूव कराने की कोशिश कर रहे थे, और ये आइडियोलॉजी इटली के अंदर इन्होंने इतनी ग्रेटनेस ऑफ द नेशन का आधार के ऊपर करा दिया, और साथों साथ ये लोग यहाँ पे फासी स्टेट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक कैरिस्मेटिक लीडर का सहारा लेते। बोले कल्ट ऑफ अ लीडर, बोले एक ऐसा इंसान आएगा जो इटली को एकदम वो है ना, फिर से जो पुराना इटली है उसको वापस लेके आएगा। उसी तरह से जर्मनी के अंदर आप देखोगे तो हिटलर का कल्ट चलता था, बोले मसीहा आएगा हम लोग के लिए है ना, जर्मनी को वापस लेके आएगा। और ये कल्ट ऑफ द लीडर भी कैसा कैरिस्मेटिक लीडरशिप कैसी हुआ करती थी। मुसोलिनी बताता था कि आई एम नॉट द पीएम और द प्रेसिडेंट, बोले आई एम इल ड्यूस, बोले आई एम द लीडर, बोले मैं ना ही प्राइम मिनिस्टर हूँ ना ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो लीडर हूँ है ना, मैं आपका सबसे बड़ा नेता हूँ। हिटलर क्या बताता था कि आई एम द फ्यूरर, बोले आई एम नॉट द चांसलर, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट, बोले आई एम द फ्यूरर। तो फासी स्टेट जो होगा वो फासी स्टेट यहाँ पे एक स्टेट वर्शिप की बात करेगा, स्टेट वर्शिप का जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ द लीडर वर्शिप की बात करेगा, उसकी कल्ट की बात करेगा, वो यहाँ पे किसी ऑपोजिशन को सहमेगा नहीं, और ख़ास करके जो भी कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्ट को तो ये दौड़ा दौड़ा के मारते थे। बोले आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है यहाँ इटली के अंदर रहने का या जर्मनी के अंदर खास करके रहने का। सो ऑल बिलीव्ड इन द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द स्टेट। बोले आर्थिक रूप से ये फासी स्टेट बोलता था कि हमको सेल्फ रिलायंट होना है। अब देखेगा कि वो चाहे इटली हो या जर्मनी हो, दोनों ने यहाँ पे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश की थी। हिटलर ने 4 इयर्स प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया था। तो जर्मनी के अंदर आपको जानकारी होगी कि ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज है उसमें भी ऑटोमोबाइल कंपनी जर्मन इंजीनियरिंग आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फेमस है। उसके पीछे भी ये जो कंपनी जैसे फोक्सवैगन है वो कहीं ना कहीं उसके उसके दौरान ही शुरू हुई थी, या जर्मन मोटरवेज जिसको आप ऑटोबैन कहते हो, तो ऑटोबैन जो है UTOBHN, तो ऑटोबैन जो भी है वो भी हिटलर ने शुरू कराया था। ओके, सो यू विल सी कि यहाँ पे ये लोग फासी स्टेट इस तरह का प्रोपोगंडा चलाया करते थे। बेसिकली ये अपने यूनिफॉर्म्स, अपने मार्चेस, सॉन्ग्स, रेडियो पोस्टर्स, मैंने बताया ना कि नाजी स्टेट भी यही किया करता था, फासी स्टेट भी यही किया करता था। तो यूनिफॉर्म मतलब वर्दी पहने हुए लोग इसके फासी पार्टी के चलेंगे या नाजी पार्टी के चलेंगे, और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, और रेगुलरली दे यूज्ड टू क्रिएट दे यूज्ड टू गो ऑन मार्चेस। ओके, तो अपना यूनिफॉर्म लेके परेड करेंगे, गाने गाएंगे रेडियो के अंदर, हिटलर मुसोलिनी दोनों रेडियो के अंदर स्पीचेस दिया करते थे, और लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जगाने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा, और उसके द्वारा ये लोग यहाँ पे अपना प्रोपोगंडा चलाया करते थे। इसके साथ साथ फासी स्टेट ये भी बताता है फासिज्म दैट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस इज द अल्टीमेट थिंग। मुसोलिनी बताता था पीस इज एब्सर्ड, बोले पीस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है फासी स्टेट के अंदर, मतलब शांति हो ही नहीं सकती। हिटलर ने क्या बताया था, बोले हर एक सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, बोले वॉर के अंदर मिलेगा, बोले स्पीच बीच दे के बातें करने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की गई, यहाँ पे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश की गई। मुसोलिनी यहाँ पे इल्ड्यूस अपने आप को द लीडर बोलता था, हिटलर फ्यूरर बोलता था, वन पार्टी स्टेट लगाने की कोशिश की जाती है, कल्ट ऑफ अ करिटमेटिक लीडर। ओके, तो एक ऐसा लीडर जो आपको सब कुछ तरह से लेके जाएगा। ओके, सो ऐसा ही प्रोपोगंडा हिटलर चलाया करता था। ओके, यहाँ पे जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इस तरह का प्रोग्राम चलाए जाते थे। ओके, मुद्दा ये आता है कि फासिज्म जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है और बहुत ही ट्रेडिशनल सोशल पॉलिसी रखता। ये ट्रेडिशनल सोशल पॉलिसी के अंतर्गत ये लिबरल आइडियाज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिबरल आइडियाज़ बेसिकली
वो है ना कि एंटी इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ रिलेट करता है, क्योंकि इसको फ्रीडम पसंद नहीं थी। फ्रांसिस स्टेट हमेशा फ्रीडम को हमेशा निगेट करता था, बोले फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं है भाई, आपको औकात के अंदर रहना है, ओके यू हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बोले कंप्लीट नहीं मिलेगा। सेकेंडली इट वॉज वेरी सिनिकल इन अप्रोच, ओपोजिशन नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, अगर किसी ने आपकी उसकी क्रिटिसाइज कर दिया तो उसको ख़त्म कर दिया जाता। तो फासिस्ट स्टेट जब बंदा है इटली के अंदर या जर्मनी के अंदर, तो ये दोनों इस तरह का अप्रोच रखते हैं। सो लिबर्टी ऑफ द वुमेन वॉज नॉट सपोर्टेड, बोले नहीं, खास करके ये जो फांसी स्टेट था हुआ करता था और फांसी विचारधारा थी वो स्त्रियों की लिबर्टी के अंदर भी बात नहीं करता है, तो वो ही सिनिकल अप्रोच के साथ साथ करता है। ओके, अब मुद्दा कभी कभी आता है आपका कि व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन फासिज्म एंड नासिज्म, फासिज्म और नासिज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। वो सिमिलैरिटीज के अंतर्गत आपको अगर पूछा गया कहीं पर, तो बोथ वर एंटी कम्युनिस्ट, हिटलर भी था और मुसोलिनी भी था। बोथ वर एंटी डेमोक्रेटिक्स, हिटलर भी था और मुसोलिनी भी था। दोनों टोटलिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज कर देना है सब कुछ। ये लोग सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने की बात कर रहे थे, बोले सेल्फ। स्टेट के अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म होना चाहिए, हिटलर भी यही बोलता था, मुसोलिनी भी बोलता था। मेकिंग जर्मनी ग्रेट अगेन, क्या बोलता है हिटलर? मुसोलिनी भी बोलेगा कि आई ब्रिंग बैक द ग्लोरीफाइड डेज ऑफ द रोमन एम्पायर। ये साथों साथ दोनों वॉर और वायलेंस को आराम से एक्सेप्ट करते हैं, बोले युद्ध तो होगा, युद्ध तो होना ही चाहिए, बोले शांति से कुछ नहीं होता। एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन टू द कल्ट एंड लीडर वर्शिप। तो ये दोनों की दोनों फासिज्म और नासिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज थी। कभी कभी आपको पूछा गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड नासिज्म, तो आप दो तीन डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, फासिज्म और नासिज्म के बीच में अंतर क्या है? जैसे फासिज्म आपको जानकारी होगी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को तो ख़त्म कर दिया उसने, पर स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि इटली के अंदर जब फासिज्म था तो स्टेट इंस्टीट्यूशन के दौरान वहाँ पे मोनार्की भी हुआ करती थी, राजा भी था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नासिज्म, तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है और स्टेट के जितने भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी ख़त्म कर देगा। तो पहला डिफरेंस वो हो गया। सेकेंड डिफरेंस अगर आपको देखना है तो नासिज्म कंपेरेटिवली वुमेन को लिबर्टी दिया करता था। हिटलर चाहता था कि स्त्रियां आगे आए और काम करें, पर नासिज्म जो है वो वुमेन की लिबर्टी नहीं दिया करते थे। तो एक डिफरेंस इनके बीच में वो भी आप लिख सकते हो, किस तरह से इसका अलग अलग हो सकता है। ओके, देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी डिफरेंसेस एंड मेनी सिमिलैरिटीज। आप लोग इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग चले जाते हैं वर्ल्ड वॉर्स के अंदर।